हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोकेमोन यूनाइट वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस एम्बलम्स के बारे में। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि यार एम्बलम्स पे वीडियो बना दो, क्योंकि उन्होंने नया नया खेलना शुरू किया है। तो गाइस मैंने कहा कि आज ही बना देते हैं एम्बलम्स पे वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एम्बलम्स मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं डालते गेम पे, बट जितना भी माइनर इम्पैक्ट डालते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एम्बलम्स पे चलने से पहले गाइस हम लोग बात करते हैं पोकेमोन्स के बारे में। तो पोकेमोन्स बेसिकली दो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो एक तो है अटैकर, ऑलराउंडर, स्पीडस्टर, डिफेंडर और सपोर्टर, जो कि आपको बैकग्राउंड से पता चल जाते हैं, जैसे कि ये स्पीडस्टर है, ये अटैकर है, ये ऑलराउंडर है, डिफेंडर है और ये सपोर्टर है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे जो लिखी हुई है, जहाँ पे अभी मैं स्क्रीन पे आप टैप कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल अटैकर लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं चार्जर पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे अटैक लिखा हुआ है। तो जिस पे भी अटैक लिखा होता है वो फिजिकल अटैकर्स होते हैं, जिस पे स्पेशल अटैक लिखा होता है वो स्पेशल अटैकर्स होते हैं। और ये एम्बलम्स में कैसे फ़र्क डालने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं सीधा बूस्ट एम्बलम्स पे। तो बूस्ट एम्बलम्स बेसिकली 11 कलर्स के एम्बलम्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वाइट एम्बलम्स हैं, जो कि एक सर्टन नंबर ऑफ एम्बलम्स लगाने पे आपकी सर्टन अमाउंट ऑफ एचपी बढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 6 वाइट एम्बलम्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपकी 4% एचपी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ब्लैक में यहाँ पे अगर आप 7 ब्लैक एम्बलम्स लगाएंगे तो आपका 4% जो मूव का कूलडाउन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ग्रीन में यहाँ पे 4% स्पेशल अटैक है। येलो में 12% मूवमेंट स्पीड व्हेन आउट ऑफ कॉम्बैट है। रेड में बेसिक अटैक स्पीड है। ब्लू में 8% डिफेंस है। पर्पल में स्पेशल डिफेंस है। ब्राउन में अटैक है। पिंक में हिंड्रेंस इफेक्ट ड्यूरेशन का रिडक्शन है। नेवी में यूनाइट मूव गॉज टाइम टू फुल चार्ज, यूनाइट मूव की कूलडाउन का रिडक्शन है। और ग्रे में रिसीव्ड डैमेज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो गाइज ये 11 तरीके के एम्बलम्स हैं, इनके अलग अलग यूजेज हैं। बट फिलहाल क्योंकि आप लोगों ने नया नया स्टार्ट किया, आप लोगों के पास हो सकता है एम्बलम्स कम भी हो, तो मैं आपको बेसिक 3 एम्बलम बिल्ड्स बता देता हूँ कि आपको बनाने कैसे हैं। पहले मैंने पिकाचू हटा दिया शायद, हाँ। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनमें से कौन से एम्बलम के कलर्स जो हैं वो मेजरली इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं, जो कि हैं वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, बस, ठीक है। ये जो 6 तरीके के हैं ये सबसे मेजर यूज़ है। रेड भी थोड़ा बहुत यूज़ आ जाता है, बट इसके अलावा जो है पिंक, नेवी, ग्रे और येल्लो जो है वो मतलब बहुत ही कम यूज़ आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनको सीखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत भी नहीं है। आप बेसिकली जो मैंने अभी बताए 6, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ब्लू, पर्पल और ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ब्लू, पर्पल और ग्रीन, हाँ, ये जो हैं ये मेजर एम्बलम्स हैं पूरे गेम में, ठीक है। तो मैं आपको 3 बेसिक बिल्ड्स बता देता हूँ जो कि काम आती है काफ़ी ज़्यादा, जो कि है 7 ब्लैक 6 ग्रीन, जो कि आपके कूलडाउन एम्बलम्स हैं, जो ऑलमोस्ट हर स्पेशल अटैकर पे लग सकते हैं। स्पेशल अटैकर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो स्पेशल अटैक और अटैक वाली दो कैटेगरीज है ना, फिजिकल अटैकर और स्पेशल अटैकर वाली। तो उसमें से जो स्पेशल अटैकर्स हैं वो ऑलमोस्ट हर पोकेमॉन पे लगा सकते हो आप, ठीक है। तो हम पहले ब्लैक एम्बलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्लैक एम्बलम्स में हमें मैं अपनी बिल्ड बता रहा हूँ, आप लोगों की डिफ़र भी कर सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो भी हमारे सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे स्टैट्स होंगे ना, एम्बलम्स कलर्स अलग चीज़ है और यहाँ पे स्टैट्स भी होते हैं एम्बलम्स के, यहाँ पे लिखे हुए आते हैं जहाँ मैं अभी टैप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्टैट्स हैं हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हम अटैक सैक्रिफाइस करें, क्योंकि जो भी स्पेशल अटैकर्स होते हैं उनके सारे अटैक्स जो हैं उनका डैमेज स्पेशल अटैक होता है, मतलब उनका डैमेज का कलर जो होता है वो पर्पल दिखेगा आपको गेम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम अटैक सैक्रिफाइस करेंगे तो उससे आपके डैमेज पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके सारे जो अटैक्स हैं वो स्पेशल अटैक्स हैं, ठीक है। सेम विद फिजिकल अटैकर्स, जो आपके सारे अटैक्स हैं वो फिजिकल अटैक्स हैं, तो आप अगर उसमें स्पेशल अटैक सैक्रिफाइस करेंगे स्टैट्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले यहाँ पे गेंगार ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और हम ऑब्वियसली यहाँ पे इफेक्ट में जाके स्पेशल अटैक्स देखेंगे, क्योंकि हम स्पेशल अटैकर्स के लिए ये बिल्ड बना रहे हैं। तो स्पेशल अटैकर के लिए ऑब्वियसली एक ही एम्बलम है अभी तक फिलहाल गेम के अंदर, तो हम इसको ऑब्वियसली लगाएंगे। अब हम इफेक्ट में जाते हैं, अब हमें बनाना है स्पेशल अटैकर के लिए बिल्ड।
तो स्पेशल अटैक वाले जो एम्बलम्स हैं वो ग्रीन एम्बलम्स हैं, तो हमें ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन तो यूज़ करने ही करने हैं। तो यहाँ पे हम ब्लूम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि अटैक सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हम ब्लूम को यहाँ पे यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बीड्रिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो बीड्रिल पे एचपी सेक्रीफाइस हो रही है और स्पेशल डिफेंस बढ़ रहा है, तो मतलब ये दोनों ही स्टैट्स में से एचपी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं एचपी कम सेक्रीफाइस करने के लिए बीड्रिल का ब्रॉन्ज एम्बलम यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बटरफ्री भी देख लेते हैं, बटरफ्री यहाँ पे एचपी बढ़ा के और क्रिटिकल रेट कम कर रही है, तो इसमें हम एचपी को ऑब्वियसली प्रेफरेंस देंगे, तो हम गोल्ड एम्बलम ही यूज़ करेंगे। और साथ में हम अगर विक्ट्री बेल यूज़ करेंगे तो विक्ट्री बेल का तो अटैक बढ़ा के और स्पेशल डिफेंस कम कर रहा है, तो हम यहाँ पे ब्रॉन्ज एम्बलम यूज़ करेंगे क्योंकि अटैक का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम स्पेशल अटैक और ग्रीन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल अटैक बढ़ के डिफेंस कम हो रहे हैं, तो हम डिफेंस को सैक्रिफाइस करेंगे। एचपी हमें कम से कम सैक्रिफाइस करनी है, ठीक है गाइस। और अटैक ऑब्वियसली हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं दुनिया भर का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 ग्रीन और 6 ब्लैक एम्बलम्स ऑलरेडी लगा लिए और साथ में एक पर्पल भी है, तो पर्पल को यूटिलाइज करने के लिए क्योंकि वो डिफेंस थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, तो हम यहाँ पे एसपी ऑन का यूज कर लेते हैं, तो पर्पल भी यहाँ पे हमारा 2% स्पेशल डिफेंस बढ़ा देगा, ठीक है। अब एक ब्लैक एम्बलम लगाना है हमें, तो हम ब्लैक में आ जाते हैं और स्पेशल अटैक तो हम लगा नहीं सकते, तो अब ब्लैक में हम या तो मूवमेंट स्पीड यूज़ कर लेंगे या फिर एचपी यूज़ कर लेंगे क्योंकि हम स्पेशल अटैक तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और अटैक बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम जूबैट यूज़ करते हैं तो हमारा अटैक सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हम यहाँ पर जूबैट भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे टीटार भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी एचपी बढ़ा देता है और क्रिट रेट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। स्पेशल अटैकर्स में क्रिट रेट इतना मैटर नहीं करती है, बाकी हम एचपी के साथ साथ यहाँ पे ग्रामर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अटैक सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम यहाँ पे ग्रामर यूज़ कर लेंगे। तो गाइज ये आपके बेसिक एक ईजिली हमने फटाफट बिना मेहनत के यहाँ पे 7 ब्लैक 6 ग्रीन कूलडाउन एम्बलम्स का सेट बना लिया, जिसमें आपकी एचपी प्लस 120 है, अटैक -6.8 है, अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस -10 है और स्पेशल डिफेंस -5 है, जिससे बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशल अटैक +12 है, जो कि हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि हम स्पेशल अटैकर के लिए बना रहे हैं। मूवमेंट स्पीड +35 है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इससे भी, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने 4% अपना मूव कूलडाउन रिडक्शन करवा लिया है, 4% हमने यहाँ पे अपना स्पेशल अटैक बढ़वा लिया है और 2% हमने यहाँ पे अपना स्पेशल डिफेंस भी बढ़वा लिया है। तो ये बेसिकली ये वाली बिल्ड हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप एक और जैसे मैं 6 ब्राउन 6 वाइट 2 ब्लू 2 पर्पल जो नॉर्मल एचपी अटैक वाले एम्बलम्स हैं उन उस को भी एक बार बना के बता देता हूँ फटाफट से। बाकी के जो एम्बलम्स हैं वो मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा और बाकी आपको कैसे यूज़ करने हैं वो आप देख सकते हैं। तो ब्राउन में आ जाते हैं हम, पहले हमें नीडो किंग नीडो क्वीन हमेशा दोनों यूज़ करने ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अटैक बढ़ा के एक डिफेंस कम, एक एचपी बढ़ा के डिफेंस कम करते हैं, एक अटैक बढ़ा के स्पेशल अटैक कम करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अटैक में आ जाते हैं, तो हम मचैम्प ऑब्वियसली यूज़ करेंगे ही करेंगे बिकॉज ये स्पेशल अटैक कम करता है, ठीक है। और हम यहाँ पे मैरोवैक यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी स्पेशल अटैक कम करता है हमारा अटैक बढ़ा के, ठीक है। तो 4 ब्राउन हमने यूज़ कर लिया, प्लस हम यहाँ पे हो यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ब्राउन और वाइट के कॉम्बिनेशन चाहिए, बिकॉज वी नीड 6 ब्राउन और 6 वाइट तो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो हम यहाँ पे हो यूज़ करेंगे। गोल्ड एम्बलम अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, और साथ में हम यहाँ पे एरोडैक्टिल यूज़ करेंगे। एरोडैक्टिल मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है और आपका डिफेंस कम करता है, तो मूवमेंट स्पीड की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसलिए हम यहाँ पे एरोडैक्टिल का ब्रॉन्ज एम्बलम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 4 हम यहाँ पे वाइट एम्बलम्स यूज़ करेंगे, तो वाइट एम्बलम्स में हम अटैक में देख सकते हैं फीरो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ये शायद टॉरस है बट आई डोंट नो, टॉस जो भी है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। गैराडोस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि अटैक बढ़ा के स्पेशल अटैक कम करता है, और यहाँ पे हम एक एचपी का पोकेमोन यूज़ करेंगे, कहाँ गया, ओके नो, हम यहाँ पे मचैम्प और मैरोवैक में से एक ही यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्राउन में, सॉरी माय बैड हो गया ये, तो ब्राउन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये जो भी है, मेरे को इसका नाम नहीं पता सॉरी, बट ये हम एचपी के लिए यूज़ करेंगे। और हम वाइट में यूज़ करेंगे
अटैक में ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम एचपी में यहाँ पे कैंगस्खान यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्पेशल अटैक कम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी 6 ब्राउन 6 व्हाइट 2 ब्लू 2 पर्पल वाले एचपी अटैक एम्बलम्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे एचपी प्लस 150 है, अटैक प्लस 12.4 है। डिफेंस और स्पेशल डिफेंस भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कम माइनस किया, डबल डिजिट्स भी नहीं गए, -8 और -5 है। स्पेशल अटैक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिकल अटैकर पर, और मूवमेंट स्पीड प्लस 21 है जिसका बहुत माइनर अपने को फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस बेसिकली आप ऐसे ट्रायल एंड एरर करके अपने एम्बलम्स काफ़ी ईजीली और काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। तो गाइस इसके आगे मैं आपको थोड़े से अपने जो एम्बलम बिल्ड्स हैं वो दिखा देता हूँ, और साथ में मैं बता भी दूंगा कि कौन से बिल्ड जो हैं वो कौन से पोकेमॉन्स पे यूज़ होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थोड़े से एम्बलम सेट्स, और मैं बता देता हूँ कि कौन से पोकेमॉन पे यूज़ हो सकते हैं। अब अगर इसमें भी कोई पोकेमॉन मेरे से मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि उस पोकेमॉन के लिए कौन सा एम्बलम सेट यूज़ होगा। तो गाइस ये एचपी अटैक वाला एम्बलम सेट है, और ये बेसिकली हर फिजिकल अटैकर पे आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज जिन पे आपको बेसिक अटैक्स मारने हैं, क्योंकि जिन पे बेसिक अटैक्स मारने हैं उनके लिए आपको क्रिट अटैक वाले एम्बलम्स या फिर फुल क्रिट वाले एम्बलम्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं ये वाले एम्बलम्स बता देता हूँ, ये अम्ब्रियन, ट्रेवनेंट और बजवॉल, लीफियन, जोरोआर्क, इन सब पे यूज़ हो सकते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स हैं ये, बाकी और भी पोकेमॉन्स हैं जिनमें ये यूज़ हो सकते हैं, बट ऑन द टॉप ऑफ माय हेड अभी जो जो पोकेमॉन्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं फ़िलहाल उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी मैं दूसरे बता देता हूँ, फेलिंक्स, मेटाग्रॉस, मिमिक्यू, ब्लिजिकिन, इन सब पे भी ये एम्बलम्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज ये है अटैक टैंक एम्बलम्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एचपी जो है वो 290 प्लस है। तो ये जो अटैक टैंक वाले एम्बलम्स हैं, या आप फिजिकल अटैकिंग जो डिफेंडर्स हैं उन पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अम्ब्रियन, लैक्स और ट्रेवनेंट, मैमोस्वाइन, क्रीडेंट, इन सब पे ये वाले एम्बलम्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। ये है स्पेशल अटैक टैंक एम्बलम्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी एचपी 290 प्लस है। तो गाइस ये वाले एम्बलम्स आप स्पेशल अटैकर्स जो टैंक्स हैं उन पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लास्टोइज, गूड्रा, लैपरस, और आई गेस तीन ही स्पेशल अटैकर टैंक्स हैं गेम में, यस, और ब्रो। ठीक है, इन पे आप ये वाले एम्बलम्स यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस, ये फुल क्रिट एम्बलम्स हैं। फुल क्रिट एम्बलम्स मैं पहले एजी स्लैश पे यूज़ करता था, बट अब मैं एजी स्लैश पे क्रिट अटैक वाले यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस वाले एम्बलम्स सेट आप जिस भी पोकेमॉन पे लगाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा स्क्विशी हो जाता है। तो आप इसको एजी स्लैश पे और नाइट स्लैश जोरार पे ट्राई कर सकते हैं, बट देन अगेन बहुत ज़्यादा स्क्विशी हो जाएंगे। तो इन एम्बलम्स को तो देख के यूज़ करना, ये वाले बहुत ज़्यादा मतलब इतने यूज़फुल नहीं है। खैर आगे चलते हैं। तो गाइज ये है क्रिट अटैक एम्बलम्स जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। तो गाइज ये बेसिक अटैक फिजिकल अटैकर्स पे यूज़ होंगे, जैसे कि आपका हो गया गैरडॉस और एजी स्लैश, निंजा, सिंडरेस, ये जो भी आपके ड्रैगनाइट, ठीक है, फिजिकल अटैकर्स और बेसिक अटैक वाले जो हैं चारिज़ार्ड, इन सब पे आपके ये वाले एम्बलम्स यूज़ हो सकते हैं। गारचॉम्प, इन पे यूज़ होंगे ये वाले एम्बलम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज ये है स्पेशल अटैक एम्बलम्स, फुल स्पेशल अटैक है ये स्पेशल अटैकर अटैकिंग पोकेमॉन्स पे यूज़ हो सकते हैं, उनका डैमेज इंक्रीज करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। नाइन टेल्स पे क्रैमोरेंट की सर्फ वाली जो बिल्ड है उस पे, नाइन टेल्स की भी सिर्फ ब्लिजर्ड वाली बिल्ड पे, ठीक है। इंटेलियन पे आप यूज़ कर सकते हैं ये, जिनको अभी रिसेंटली नर्फ मिला है उन पे आप ये वाले एम्बलम्स यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पेशल अटैक प्लस 26 है इसमें, ठीक है। बट ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि स्पेशल अटैकिंग जो अटैकर्स होते हैं उन पे मेजरली 7 ब्लैक 6 ग्रीन जो कूलडाउन एम्बलम्स है जो आगे आने वाले हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाले एम्बलम्स सारे स्पेशल अटैकर्स पे यूज़ हो सकते हैं। ईच एंड एवरी स्पेशल अटैकर पे ये वाले एम्बलम्स यूज़ हो सकते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, स्पेशल अटैकर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। जितने भी स्पेशल अटैकर्स हैं सारे सपोर्टर्स,
ठीक है, मेरे हिसाब से स्पेशल अटैकर्स हैं तो सारे सपोर्टर्स पे यूज़ हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर आई गेस सेबलाई फिजिकल अटैकर है बस, बाकी सारे सपोर्टर्स पे यूज़ हो सकता है। डिफेंडर जो भी स्पेशल अटैकर्स हैं उन पे यूज़ हो सकता है, अटैकर्स जो भी स्पेशल अटैकर है उन पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो गाइज ये है 7 black और 4 brown कूलडाउन रिडक्शन अटैक वाली बिल्ड, ये आप उन पे यूज़ कर सकते हैं जिनके मूव का कूलडाउन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि मेटाग्रॉस की जारोवॉल वाली बिल्ड, ड्रैगन ब्रेथ वाली बिल्ड गैरेडॉस की, और मिमिक्यू की शाडो क्लॉ वाली बिल्ड, और उर्शिफू ब्लू वाली बिल्ड। ठीक है, टीटार पे आप यूज़ कर सकते हैं, बजवॉल पे अभी ये अच्छा चल रहा है बिकॉज बजवॉल का जो सुपर पावर है उसको कूलडाउन का नर्फ मिल गया, तो बजवॉल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जुमारेल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बिल्ड है। और आगे चलते हैं गाइज, लास्ट है ये मेरे हिसाब से, इसके आगे और कुछ नहीं है। हाँ लास्ट है ये बेसिक अटैक वाली, 7 red emblems इसमें यूज़ हुए हैं, बेसिक अटैक स्पेशल अटैक बिल्ड, ये आप स्पेशल अटैकर जो बेसिक अटैकर है उन पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स हैं जिन पे यूज़ हो सकती है, एक तो अलोलन नाइनटेल्स की जो ओरोरा वेल वाली बिल्ड है वो, और दूसरा है म्यूटू वाई पे, बस ये 2 ही पोकेमॉन्स ऐसे हैं जिन पे ये वाली बिल्ड यूज़ हो सकती है। तो गाइज मेरे को उम्मीद है कि आपको एम्बलम्स के बारे में पता चल गया होगा और इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा, बाकी आप ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं। बाकी जो 3 बेसिक हैं 6 brown 6 white 2 blue 2 purple HP अटैक एम्बलम्स वाली बिल्ड जो है वो फिजिकल अटैकर्स पे यूज़ हो सकती है, क्रिट अटैक वाली बिल्ड जो बेसिक अटैक फिजिकल अटैकर्स पे यूज़ होती है वो भी शायद 6 brown 6 white 2 blue 2 purple ही है, नहीं 6 brown 4 white 2 blue 2 purple ये वाली बिल्ड जो है एक ये, और एक 7 black 6 green कूलडाउन एम्बलम। ये 3 मेजर बिल्ड्स हैं, ये ऑलमोस्ट हर पोकेमॉन को कवर अप कर लेती हैं, इनके अलावा जो बाकी की बिल्ड्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं स्पेसिफिक पोकेमॉन्स के लिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।